हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्मलता की और उसके न्यूमेरिकल की। नॉर्मलता किसी विलयन के एकांक आयतन में, तो एकांक का मतलब यहां पर है आयतन आपका एक लीटर भी हो सकता है या 1000 ml भी हो सकता है, क्योंकि एक लीटर बराबर होता है 1000 ml के। ठीक है, तो एकांक का मतलब एक लीटर भी आयतन हो सकता है या आपका 1000 ml हो सकता है। तो किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, तुल्यांक प्रति मिलीलीटर होता है। अगर आपको सवाल में जो आयतन है मिलीलीटर में दिया हो तो आयतन आपका किस में होगा, मिलीलीटर में लगेगा बटे में मात्रक में, और अगर लीटर में दिया है तो बटे में आप लीटर में लगा देंगे। तो फॉर्मूला बात करते हैं, जब नॉर्मलता बराबर क्या होता है आपके विलेय के तुल्यांकों की संख्या इंटू 1000 अपॉन बिलियन का आयतन एमएल में। तो अगर आयतन मिलीलीटर में दिया है तो फॉर्मूला 1000 का गुणा होगा, और लीटर में दिया होगा तो 1000 का गुणा नहीं होगा। इसी से मात्रक बना है, तुल्यांकों की संख्या का मात्रक होता है तुल्यांक, और आयतन बिलियन का आयतन अगर एमएल में दिया हो तो बटे में मिलीलीटर लिख दो, लीटर में दिया हो तो बटे में लीटर लिख दो। तो मात्रक क्या होगा, तुल्यांक प्रति मिलीलीटर या लीटर, तो जिसमें दिया हो बटे में आप लिख दें। अब बात करते हैं नॉर्मलता, नॉर्मलता को दिखाते किससे हैं, नॉर्मलता को दिखाते हैं हम एन से, और विलेय की तुल्यांकों की संख्या को दिखाते हैं एन से। तो जो मोलों की संख्या होती है उसको भी एन से दिखाते हैं, और तुल्यांकों की संख्या को भी एन से दिखाते हैं। इंटू क्या होता है आपका 1000 अपॉन बिलियन का आयतन मिली लीटर में। तो आयतन को हम किससे दिखाते हैं, 20 से। आगे देखिए, तो जो आपका एन होता है, एन बराबर होता है आपका डब्ल्यू अपॉन ई, एन बराबर क्या होता है आपका डब्ल्यू अपॉन ई। तो यहां पर एन की जगह क्या पुट कर देंगे आप, डब्ल्यू अपॉन ई इंटू 1000 अपॉन इंटू बी। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला ये बन गया, एन बराबर डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन ए इंटू बी। तो यहां पर अब पढ़ते हैं हम किसको क्या बोलते हैं, एन को बोलते हैं हम नॉर्मलता, और डब्ल्यू को बोलते हैं हम विलेय का भार। तो डब्ल्यू होता है हमारा विलेय का भार, पहचान कैसी होगी, ग्राम में लिख के आएगा सवाल में, अपॉन क्या ई, ई होता है आपका तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। अब ई निकालते कैसे हम, ई बराबर होता है आपका एम अपॉन बी। तो जो ये बी है एम है, एम एम यहां पर है मोलर द्रव्यमान आपका, जो हम जोड़ के निकालते थे मोलर द्रव्यमान, और जो ये बी है स्मॉल बी, ये कैपिटल बी आयतन है, और ये जो स्मॉल बी है इसको बोलते हैं हम बिफोर बैलेंसी, और हिंदी में कहते हैं संयोजकता। तो ई बराबर होता है आपका एम अपॉन बी, यानी मोलर द्रव्यमान में हम संयोजकता का भाग दे दें तो हमारा क्या आ जाता है, ई आ जाता है। तो एक बार और सुन लें, एन होती है नॉर्मलता, डब्ल्यू विलेय का भार ग्राम में, और ई तुल्यांकी भार, ई बराबर होता है एम अपॉन बी, एम को मोलर द्रव्यमान बोलते हैं और बी को क्या बोलते हैं, संयोजकता। अब ये रह गया कैपिटल बी, तो जो कैपिटल बी है वो होता है आपका आयतन, आयतन की कैसे पहचान होगी, आपको मिलीलीटर या लीटर में दिया होगा, और नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है आपका तुल्यांक बटे मिलीलीटर या लीटर। और अगर किसी मान के आगे 5n या 6n या 7n लग के आ रहा है तो वो भी क्या होगी, आपकी नॉर्मलता होगी। तो बस आपको ये सूत्र याद रखना है, n बराबर क्या होता है डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन ए इंटू बी, और नाम याद रखना है, ई तुल्यांक की बार होता है, बी आयतन होता है, और ई बराबर क्या होता है आपका एम अपॉन बी होता है। अब न्यूमेरिकल करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है 88 ग्राम, तो 88 ग्राम में ग्राम आ गया, जिसका ग्राम वो क्या है स्मॉल डब्ल्यू, तो स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है आपको, स्मॉल डब्ल्यू दिया है 88 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 88 ग्राम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एम कितना हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, जोड़ लें, एक कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16, दो का कितना हो गया 32। ये आपको याद होना चाहिए और याद कर लें आप लोग, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो वीडियो देख लें, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद करने की ट्रिक वीडियो देख लें मेरी। तो एम बराबर CO2 बराबर कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32, टोटल कितना आ गया 44। आगे लिखा है बिलियन में 500 ml बिलियन में घुली है, तो ml आ गया, ml लिखा है तो क्या है आपका आयतन भी है,
तो बी कितना दिया है आपको 500 ml, तो बी आपका 500 ml है। लेकिन आपको निकालना क्या है, नॉर्मलता निकालना है। नॉर्मलता होती है एन, तो एन बराबर होता है आपका डब्लू इंटू आधार अपॉन ई इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे पास डब्लू है, एम है, आयतन भी है, लेकिन ई नहीं है। ई कैसे निकालते हैं, मैंने बताया ई बराबर होता है आपका एम अपॉन बी, तो ई निकालते हैं यहाँ पर। ई बराबर होता है आपका एम अपॉन बी, तो एम मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना है 44, तो ये 44 लिख दिया। और बी क्या है, बैलेंसी, बी फॉर बैलेंसी, बैलेंसी माने संयोजकता। अब हम संयोजकता कितनी लगाएं ये हमें नहीं पता चल रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहले जो एलिमेंट आए, यानी कोई भी आपका यौगिक हो, कोई भी अणु हो, उसमें जो पहले लिखोगा उस एलिमेंट की हम संयोजकता लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा है, कार्बन, तो कार्बन की संयोजकता लगा दें, तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो 4 × 4 और 4 × 4, तो ई बराबर कितना आ गया आपका, ई बराबर आ गया 11। तो ई आपने निकाल लिया, ई कितना आ गया आपका 11, तो ई का मान यहाँ पुट कर देंगे फिर। डब्ल्यू कितना है आपका 88 इंटू आयार ऐसी की ऐसी, ई कितना है आपका 11, ये निकाला है हमने। और बी कितना है आपका 500 दुनी कितना आ गया 1000, और 11 × 88, तो 8 × 16, तो 8 × 2 बराबर कितना होगा 16, तो 16 n लिख देना। तो नॉर्मलता कितनी निकलेगी आपकी 16, तो या तो आप n लगा दें मात्रक की जगह, 16 n लिख के आ रहा है तो भी आपकी नॉर्मलता है, n फॉर नॉर्मलता, या फिर मात्रक लगा दें, या फिर आप ऐसे लिख दें 16 तुल्यांक प्रति मिलीलीटर। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे 16 n लिख दें, या 16 तुल्यांक प्रति मिलीलीटर। एक बार और देख लें, डब्ल्यू का मान आपको 88 दिया था, ये 88 लिख दिया, इंटू आयार ऐसी की ऐसी, ई हमने ऐसे निकाला है, मोलर द्रव्यमान का मान कितना 44, और बी फॉर बैलेंसी, बैलेंसी मान संयोजकता, संयोजकता किसकी लगेगी, शुरू वाले परमाणु की, तो कार्बन की संयोजकता होती है आपकी 4 लगा दी, 4 × 4 11 बार घट गया, 11 यहाँ पुट कर दिया, बटे में 500, आयतन कितना दिया था 500, 11 × 88 500 × 1000 8 × 16 16 n या मात्रक तुल्यांक प्रति मिलीलीटर। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या, 80 ग्राम NaOH, तो जिसके आगे ग्राम लिखा है वो क्या है W, तो W कितना है आपका 80 ग्राम NaOH, तो इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लें NaOH का। आपको पता है एक Na का कितना होता है 23, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना आ गया आपका 40। तो एक Na का 23, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन 1, और टोटल कितना आ गया हमारा 40। और जो ml में लिखा होता है वो आयतन होता है। बी कितना दिया है आपको 200 ml। ई कैसे निकालते हैं, ई निकालते हैं हम m अपॉन बी से, यानी मोलर द्रव्यमान में संयोजकता का भाग देके, क्योंकि हमें नॉर्मलता निकालनी है, नॉर्मलता का फॉर्मूला ये है आपका, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आगे थोड़ा बढ़ा के, n बराबर w इंटू 1000 m इंटू बी, ये आपका नॉर्मलता का फॉर्मूला है। तो आपके पास ई नहीं है, ई निकाल लें, एम कितना दिया है 40, बटे में बी क्या है संयोजकता, तो संयोजकता किसकी लगती है, शुरू वाले परमाणु की, तो शुरू में क्या है सोडियम, तो सोडियम की संयोजकता होती है 1, तो 40 में 1 का 40 में भाग देंगे तो लौट के क्या आएगा 40, तो ई बराबर कितना आ गया 40, तो ई का मान निकाल दिया। अब यहाँ मान पुट कर दें, एन बराबर डब्ल्यू का मान कितना दिया है 80, तो डब्ल्यू का मान 80 है, 80 का 80 इंटू 1000, 1000 का 1000 अपॉन एम, एम क्या है वो, सॉरी एम का है वो ई, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है एन बराबर डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन ई इंटू बी, हमने ई निकाल लिया था तो ई का मान लगेगा यहाँ, तो ई का मान कितना है 40 इंटू क्या है बी, बी कितना दिया है आपको 200, तो बी आ गया 200 से कितनी बार कट गया ये 5 बार, और 40 दुनी 80, 5 दुनी 10, तो नॉर्मलता आप या तो 10 n लिख दें या फिर मात्रक लगा दें, 10 तुल्यांक प्रति मिलीलीटर, तो ये दोनों ही आपके क्या है सही है।
तो ई हमने ऐसे निकाला मोलर द्रव्यमान 40 और शुरू वाले प्रणाली के संयोजक तल आदि 40 में एक का 40 में भाग देंगे तो 40 आएगा, ई एक का मान 40 आ गया। यहाँ मान पुट कर दिए, गुणा भाग कर लिया, काटा पीटी कर ली और आंसर आ गया 10। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद बात करेंगे हम मोल प्रवाच की। बात करते हैं हम मोल प्रवाच की, मोल अंश या मोल प्रवाच। तो मोल अंश या मोल प्रवाच आपकी दोनों एक ही चीज होती है, चाहे आपसे मोल अंश पूछे या मोल प्रवाच पूछे, दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो मोल अंश या मोल प्रवाच की पहले परिभाषा पढ़ते हैं। किसी बिलियन का मोल अंश उस बिलियन के हवयव के मोल, तो किसी बिलियन का जो आपका मोल अंश होता है उस बिलियन के हवयव के मोल, तो यहां पर जो शब्द आया है हवयव, तो बिलियन जो किससे मिलकर बनता है, हवयवों से मिलकर बनता है। तो अवयव आपके दो होते हैं, एक होता है आपका बिलय, एक होता है आपका विलायक। तो आपके अवयव दो होते हैं, एक होता है बिलय और एक होता है विलायक। तो किसी बिलियन का मोल अंश उस बिलियन के अवयव के मोल, तो अवयव एक बिलय होता है और एक होता है विलायक, यानी जो अवयव के मोल हैं या बिलय के मोल हो सकते हैं आपके उस बिलियन में, या फिर विलायक के मोल हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अवयव के होते हैं बिलय और विलायक होते हैं। तो उसने कहा अवयव के मोल, यानी या तो बिलय के मोल होंगे बिलियन में और या फिर होंगे दोनों में से किसी एक के, या विलायक के मोल होंगे। तो जो बिलय के मोल होते हैं उसको हम मान ले रहे हैं एन, क्योंकि मोलों की संख्या को हम किससे मानते हैं, एन से मान दिखाते हैं, एन से नोट डिनोट करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं कि उसको मोलों की संख्या को। तो बिलय के मोलों की संख्या को एन से मान लिया हमने, और विलायक की मोलों की संख्या को किससे मान ली हमने, एन बी से, ठीक है। और इसी तरीके से तो अवयव के मोल तथा उस बिलियन के सभी अवयवों के मोल, तो बिलियन किससे मिलकर बनता है, बिलय और विलायक से। तो सभी अवयव क्यों होंगे आपके, जुड़ के एन ए प्लस एन बी, यानी सभी अवयव क्यों होंगे, बिलय और विलायक, यानी बिलियन बनता है बिलय और विलायक से, यानी बिलियन के मोल बराबर बिलय के मोल प्लस विलायक के मोल, बिलय के मोल एन ए और विलायक के मोल एन बी। सभी अवयवों के मोलों के अनुपात को बिलियन का मोल अंश कहते हैं। इसी से परिभाषा बनी है, मोल अंश बराबर अवयव के मोल यानी या बिलय के मोल होंगे या विलायक के मोल होंगे, अपॉन बिलियन के मोल, और बटे में बिलियन के मोल ही रहते हैं। तो दो फॉर्मूले बनते हैं इसके, एक बनता है आपका एक्स बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी किसी एक अवयव के मोल है, तो यहाँ पर हमने एन ए ले लिया, एन ए यानी बिलय के मोल हो सकते हैं। दूसरा एक्स भी ले लिया हमने फॉर्मूला, एक्स भी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो यहाँ पर किसके ले लिए, यहाँ पर हमने ले लिए विलायक के मोल, तो विलायक के मोल मतलब एन बी। तो बटे में किसके हैं आपके, बटे में बिलियन के मोल है, तो इसमें भी बिलियन के मोल रहेंगे और इसमें भी बिलियन के मोल रहेंगे। तो बिलियन के मोल एन ए प्लस एन बी, बिलियन के मोल एन ए प्लस एन बी, क्योंकि मैंने बताया था जो बिलियन के मोल होते हैं वो बिलय के मोल और विलायक के मोल के योग के बराबर होते हैं। तो दो फॉर्मूले बनते हैं, अगर आपको बिलय का मोल प्रवाज निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और अगर विलायक का मोल प्रवाज निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। बिलियन किससे मिलकर बनता है आपका, बिलय के मोल से और विलायक के मोल से। तो ये क्या है आपका, बिलियन का बिलियन है, यानी बिलियन के मोल किससे मिलकर बनते हैं, बिलय के मोल प्लस विलायक के मोल से। तो दो फॉर्मूले बनेंगे आपके, एक्स बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस बी एन बी, एक्स भी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, लेकिन यूज कब करेंगे, तो एक्स जो है आपका यहाँ पर वो है आपका बिलय का मोल प्रवाज, यानी जब आपसे बिलय का मोल प्रवाज निकलवाए, बिलय किसे कहते हैं जो पानी में घुला होता है, बिलय का मोल प्रवाज निकलवाए, तो फॉर्मूला लाएंगे आप एक्स बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन ए क्या, एक्स भी क्या होता है आपका, एक्स भी होता है विलायक का मोल प्रवाज, यानी पानी, यानी जो पतली चीज़ है आपकी जिसके अंदर कोई चीज़ घुली हुई है, तो विलायक का मोल प्रवाज होता है आपका एक्स भी। तो विलय का मोल प्रवाज एक्स है और विलायक का मोल प्रवाज क्या होता है, एक्स भी। और एन ए क्या होते हैं आपके, एन ए होता है आपका, एन ए होते हैं आपके विलय के मोल, बिले के मोल। तो इसको आप कॉपी पेन लेके बैठ जाए और नोट करते जाए साथ साथ। और जो आपका एन बी होता है वो क्या होता है आपका, विलायक के मोल, विलायक के मोल। तो अब एक
एक बार और बताता हूँ आपको, एक्स बराबर होता है आपका एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। जब आपसे बिले का मोल प्रभाज निकलवाए तो फॉर्मूला लगा दें, बिले का मोल प्रभाज बराबर बिले के मोल बटे बिलियन के मोल। बिलियन के मोल के होते हैं आपके एन ए प्लस एन बी, तो बिलियन के मोल के होते हैं आपके, बिलियन के मोल होते हैं आपके बिलियन के मोल होते हैं इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। तो एक बात याद रखें, अगर बिले का मोल प्रभाज निकलवाए, बिले का मोल प्रभाज एक्स से, तो बिले के मोल बटे बिलियन के मोल। अगर बिलायक का मोल प्रभाज निकलवाए तो बिलायक का मोल प्रभाज बराबर बिलायक के मोल अपॉन बिलियन के मोल, तो बटे में बिलियन के मोल रहेंगे ही। लेकिन अगर बिले आया है, बिले का मोल अंश आया है या मोल प्रभाज आया है, तो बिले के मोल, बिलायक का मोल प्रभाज आया है तो बिलायक के मोल। ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और एक्स भी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक शॉर्ट तरीका और होता है फॉर्मूले का, जिसका भी यूज़ बताऊँ मैं। एक्स ए प्लस एक्स भी बराबर एक और होता है एक फॉर्मूला ऐसी सही, क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स भी बराबर एक। यानी हमेशा बिले का मोल प्रभाज और बिलायक का मोल प्रभाज का टोटल एक आएगा। यानी जब भी आपका एक्स ए का मान और एक्स बी का मान निकलेगा तो इन दोनों का टोटल क्या आएगा, एक आएगा। कैसे आएगा देखिए, आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, एक होता है। ये मैंने आपको बताया कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, एक। तो अभी सिद्ध करके देखते हैं, एक्स ए का मान क्या है आपका एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो एक्स ए की जगह पुट कर दें एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, प्लस एक्स बी की जगह पुट कर देंगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो लासा ले लें, लासा क्या आएगा आपका एन ए प्लस एन बी, ऊपर क्या बचा एन ए और इधर क्या बचा एन बी, क्योंकि एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी चले गए ऊपर एन ए रह गया, और इधर के एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी चले ऊपर के रह गया एन बी, एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी कैंसिल, एक बराबर किया गया एक। तो ये सिद्ध हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें, फिर एक क्वेश्चन हम इसका करते हैं। अब करते हैं हम ये क्वेश्चन, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक्स ए बराबर क्या होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बराबर क्या होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और एक्स ए को क्या कहते हैं, एन ए को क्या कहते हैं, एन बी को क्या कहते हैं, इनके आपको नाम याद होना चाहिए। तो ऊपर लिखा है 60 ग्राम यूरिया, तो आपको पता है एन बी क्या होता है विलायक, तो विलायक मतलब जल, और यूरिया गुलाय, तो यूरिया क्या हो गया बिले। तो डब्ल्यू कितना दिया है आपको, तो जी यूरिया क्या है आपका बिले है, और जल क्या है विलायक। मैंने बताया बिले को किससे दिखाया है हमने, यहाँ पर एस है यानी बिले के मोल, बी क्या है विलायक का। इसी तरह बिले का मोल प्रभाज एक्स ए और विलायक का मोल प्रभाज एक्स ए, तो यहाँ पर ए और बी किसके लिए यूज किया गया है, बिले और विलायक के लिए, ए बिले के लिए और बी विलायक के लिए। तो 60 ग्राम यूरिया घुलाए 90 ग्राम जल में, तो यूरिया की होगी आपका बिले, तो बिले का भार कितना है आपका 60 ग्राम, तो डब्ल्यू ए कितना दिया है आपका 60 ग्राम। तो बस एक बात याद रखनी है, जो बिले है उसके आगे ए लगाते हैं, जो विलायक है उसके आगे क्या लगाते हैं बी। तो डब्ल्यू ए कितना दिया है आपको 60 ग्राम, और इसके आगे क्या है यूरिया, इसका एम ए निकाल लो जोड़ के। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो एक एन का कितना होता है आपका 14 होता है, और ये दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन कितने हो गए 4। तो मैं जगह कम है तो जोड़ के बता दे रहा हूँ, एक एन का 14, दो एन का कितना हो गया 28, एक हाइड्रोजन का 2, दो हाइड्रोजन का 4, तो दो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, एक कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो गया 28, और टोटल मारेंगे तो आएगा आपका 60। तो NH2CO NH2 का जब टोटल मारेंगे तो कितना आएगा 60, ये आप जोड़ के देख लेना। अब इसका हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या, बिले के मोल, तो Na बराबर आपको पता है कि होता है W अपॉन M, लेकिन बिले का निकालना है तो W A M A लगा देंगे। समझ में आया इतना, क्योंकि बिले कौन होता है जो पानी में घुला हुआ होता है, तो बिले का भार W A, बिले का मोलर द्रव्यमान एम ए, बिले के मोल एन ए, तो एन ए बराबर क्या हो गया डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर। डब्ल्यू ए कितना दिया है 60 ग्राम, एम ए कितना दिया है आपको 60, 60 बटे 60, 60 एकम 60। इसी तरह हम निकालेंगे एन बी, क्योंकि जब तक हम एक्स से एक्स बी नहीं निकाल सकते, जब तक हमारे पास एन ए
और एन ए और एन बी का मान नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा, देखो यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया क्या है? बिले, यानी जो पानी के अंदर घुला है, और जल क्या है? एन बी यानी विलायक, यानी विलायक के मोल। तो यहाँ पर मोल प्रभाज निकलवाए, तो यूरिया यानी बिले का मोल प्रभाज एक्स ए, और जल, जल मतलब विलायक का मोल प्रभाज यानी एक्स बी। तो एक्स ए एक्स बी निकालना है हमें, तो एन ए तो निकाल लिया, अब एन बी निकालते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, 90 ग्राम जल, तो जल है तो डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी कितना दिया है 90 ग्राम, और आगे जल है, जल का सूत्र लगा दो, एम बी निकालो इसका, एम बी एच टू ओ, तो जल का आप जोड़ लेना 18 आएगा, एक ऑक्सीजन का 16 और दो 18। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, एन बी विलायक के मोल, तो फॉर्मूला क्या होता है, बन जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन, तो यहाँ जगह कम पड़ रही है, इधर ही नीचे कर दे रहे हैं, तो एन बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी कितना दिया है 90, और एम बी कितना निकाला 18, तो 18 पंजे 90, तो आपके पास एन ए भी आ चुका है, एन ए कितना आ चुका है 1, और एन बी कितना आ चुका है 5। तो आपसे यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज निकाला है, यूरिया क्या है? बिले, और बिले के मोल प्रभाज को हम एक्स से दिखाते हैं, और जल का मोल प्रभाज क्या है? एक्स बी। तो अब निकालते हैं हम, तो बिले का, बिले यहाँ पर क्या है? यूरिया, तो बिले की जगह आप लिख देना यूरिया, यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज, तो यूरिया का मोल प्रभाज क्या है आपका? एक्स है, क्योंकि वो बिले है, तो एक्स बराबर होता है आपका एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर मान पुट कर दे रहे, एन ए का मान कितना है इधर कर दे रहे हम, तो एक्स ए बराबर क्या, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो एन ए का मान हमने निकाला है 1, तो यहाँ पर 1, एन ए का मान कितना है फिर 1, क्योंकि एन ए का मान 1 निकाला है, फिर क्या है एन बी, एन बी कितना निकला है आपका 5, तो 1/5, एक्स बराबर कितना आ गया 1, ऐसी कैसी 5 और 1 6, 1/6, 1 में 6 का भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लागे के लगा दो 0, पॉइंट लागे के लगा दिया आपने 0, तो 6 एकम 6, अब यहाँ कितना बचे आपके 4, 4 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाए फिर 0 लगा लो, 6 6 36, फिर 4 बचेंगे तो पॉइंट लगा के फिर 0 लगा लोगे तो 0.166 आ जाएगा, तो एक्स ए कितना आएगा आपका 0.166। अब आपको क्या निकालना है, एक्स बी, तो एक्स बी यहाँ पर जगह में कर देना है, थोड़ी सी जगह में तो ये जगह नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक्स बी यहाँ पर निकालते हैं, तो अब हम निकालते हैं एक्स बी, तो एक्स बी बराबर क्या होता है आपका एन ए, वो सॉरी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो बिले का मोल प्रभाज निकाला है तो एन ए ऊपर रख दें बटे में एन ए प्लस एन बी, और अगर विलायक का निकाला है तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मान पुट करें एन बी का मान कितना है 5, बटा एन ए का मान कितना दिया है आपको 1, प्लस एन बी 5, तो कितना आ गया आपका 5/6, इसमें भाग दे दें, तो यहाँ पर भाग दे दे रहे हैं, 5 में 6 का भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के बढ़ा लिया 0, तो 6 7 42, 6 8 48, तो 8 बार चले जाएगा, कितने बचे 2, 2 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लो, 6 3 18, कितने बचे 2, 2 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा, फिर 6 3 18, तो कितनी बार चलेगा 0.883 बार चले जाएगा। तो आपका एक्स कितना आया था, इधर देखें एक बार, एक्स आया था आपका 0.166, और एक्स भी कितना आया था आपका, एक्स भी आया था आपका 0.833, और मैंने क्या बताया था, हमेशा एक्स ए प्लस एक्स बी का टोटल 1 होता है, तो ना जोड़ लें, 6 और 3 कितना होगा 9, और 6 और 3 कितना होगा 9, और 8 और 1 कितना हो गया 9, तो 0.999 और 0.99 आपका 1 के बराबर होता है, और ये भाई तुम्हारी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। अब मैंने कहा था मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, तो आप, आपको एक्स निकालना था और एक्स भी निकालना था, तो ये सूत्र कब काम आता है, जब आप केवल एक्स निकाल लिया, आपने क्या निकाल लिया एक्स, एक्स निकाल लिया आपने 0.166, लेकिन आपको एक्स भी निकालना है, एक्स भी निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन आप चाहें तो इस
फॉर्मूले का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। यानी पहले एक्स से निकाल लें या एक्स भी निकाल लें, दोनों में से एक निकाल लें और एक इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। कैसे है देखिए, एक्स ए प्लस एक्स बराबर क्या होता है आपका एक, तो एक्स ए आपको कितना दिया है 0.166, एक्स भी तो हमने निकाला ही नहीं है मान लें, तो इससे एक्स भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो प्लस एक्स भी बराबर एक, जिधर प्लस के अंदर जाके किसको आएंगे माइनस के, तो एक्स भी बराबर कितना आएगा 1 माइनस 0.166, क्योंकि एक प्लस का था, जे इधर जाके किसको आएगा माइनस का, तो 1 माइनस 0.166, एक में से 0.166 घटाएंगे तो आपका आएगा 0.833, तो एक्स भी आ गया आपका 0.833। तो आप चाहें डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये शॉर्ट तरीका है, यानी एक्स से ही एक्स भी निकाल लें और इस फॉर्मूले की सहायता से, अगर एक्स से निकाला है तो एक्स भी निकाल लें, और अगर एक्स भी आपने निकाल लिया है पहले तो एक्स से निकाल लें, अगर आप इससे नहीं निकाले तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको केवल एक क्वेश्चन बताया मोल प्रवाज का, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें मोल अलता के, मोल अर्ता के, मोल प्रवाज के और नॉर्मल ता के सबके न्यूमेरिकल हम कट इन वाले करेंगे, केवल न्यूमेरिकल की बात चलेगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके दोस्त हैं फ्रेंड हैं उनको केमिस्ट्री टफ लगती है कठिन लगती है तो उनको वीडियो को शेयर कर दें, और प्रेस द बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।